शिक्षा लेने का और एकदम मिनिमम फी में, एकदम मिनिमम। लोग परेशान हो गए कि पहले से तो काहे नहीं इतना सस्ता में पढ़ा रहे हैं भाई। पढ़ाई में आखिर क्या चीज है, ऐसा कोई सोना चांदी मिला रहे लोग क्या कि उसमें आपको? हाँ ये कहीं कि हम लोग को लूटने का शौक नहीं है। अच्छा किसी के मन में आता है क्या सुसाइड करने के लिए? उसको ले जाके साइड में बड़ी मार मारेंगे। देखिए हारा वही जो युद्ध में गया ही नहीं, या तो जीत मिलेगी या तो कोई सीख मिलेगी। जाएगा तो आदमी युद्ध में जरूर, और जब जीत पक्की रहे तो कोई भी लड़ सकता है। अरे कर्ण बनो जिसे पता था कि हार पक्की है फिर भी युद्ध में गया। तो जितने कमजोर विद्यार्थी हैं अपने आप से दिमाग में हटा दो कि आपको कमजोर विद्यार्थी नहीं है, सिस्टम ने आपको कमजोर करके रखा है। अगर किसी बच्चे का डाउट है कोई तो उसे क्लियर कर दीजिए, अगले दिन से अपने मन लगा के पढ़ने लगेगा। लेकिन उसको इस तरह से घेर के रखा गया ताकि बेचारा अपने ऐसे वो डीमोटिवेट हो गया। तो अब आप लोग कोई सर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया के जो भी बेस्ट फैकल्टी थे हम लोग के लिए पटना में उन लोग को लेकर आए, अब वो समस्या नहीं आएगी। एकदम बेहतरीन शिक्षक मिलेंगे और जिसको कुछ नहीं आता था ना वो अपने आप से शीशे के सामने आके कहेगा कि मेरा सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। ये रेडी हो जाइए, जिन सपने को लेके आए हैं कम उम्र में ना सक्सेस होने का मजा ही कुछ और। मजा तब है जब दाढ़ी से पहले गाड़ी आ जाए।